अभी मेरे साथ हैं बीजेपी के फायर ब्रांड नेता अश्विनी चौबे, जो बक्सर से सांसद भी हैं, भारत सरकार के मंत्री भी हैं। लगातार खबर चल रही है कि इनकी सीट बदल सकती है, लेकिन ये अपनी सीट किसी भी सूरत में छोड़ने को तैयार नहीं है। वैसे बहुत पॉपुलर नेता हैं बिहार के, आप तो बहुत बिहार के पॉपुलर नेता हैं, आप क्षेत्र से बंधे हुए नहीं है। वो न रहो, मैं जनता के लिए हूँ, जनता हमारे लिए, जनता के कल्याण के लिए, सेवा के लिए मैं तत्पर हूँ, चाहे एमएलए एमपी मिनिस्टर रहूँ। और मैंने आज तक कभी भी एमएलए एमपी मिनिस्टर के लिए कभी भी किसी से मांगा नहीं। तो आप बक्सर से ही चुनाव लड़ेंगे ना? बक्सर की जनता ने हमें प्यार दिया है, तो हमारी प्रायोरिटी है कि बक्सर से हम चुनाव लड़े। यानी बक्सर छोड़कर कहीं नहीं जाना? निश्चित रूप से, बक्सर ने हमें बनाया, हमें इस माटी को उस मूर्तिकार ने गढ़ने का काम किया है, तो हम उस मूर्तिकार को कैसे भूलेंगे। और आपको तो बक्सर पार्टी ही ले गई थी ना? पार्टी बक्सर ले गई थी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो पार्टी पर हमें विश्वास है, नेतृत्व पर विश्वास है, इसलिए इसके अलावा दूसरा कोई बात। लेकिन आप तो कह रहे थे कि 400 सीट में कहीं भी जीत के दिखा सकता हूँ। नहीं, ये नहीं, आप जब वो उन्होंने कहा तो मैंने कहा कि ये निर्णय पार्टी करेगी ना, कि पत्रकार निर्णय करेंगे, और पत्रकार अगर ये निर्णय कर ले कि तो निश्चित रूप से पार्टी का निर्णय तो पार्टी का निर्णय होता है ना। मैंने ये कहा कि 40 सीटों पर मुझे आत्मविश्वास है और पार्टी को विश्वास है, 40 सीट में कहीं से भी हम लड़ सकते हैं और चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन मैं बक्सर से ही लड़ूंगा। अच्छा, नहीं अभी चाइना पर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? बार बार अजहर मसूद को बचा देता है। भाई देखो, ये आतंकवाद किसी को भी डस सकता है, ये आतंकवाद का नाग सांप जो होता है किसी को भी डस सकता है। और ये चीन के लोग जो उन्होंने इस प्रकार की बात कही है, कल भस्मासुर की स्थिति उन पर भी आ सकती है, और इसलिए चीन को इसको वापस लेना चाहिए और पूरे विश्व को एक साथ आतंकवाद के खिलाफ लड़ना चाहिए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम की भावना से, सबका साथ सबका विकास, बंधुत्व का भावना कायम करने का उन्होंने सदैव प्रयास किया है, और आतंकवाद को शह देना यानी कि बहुत ही निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रकार की चिंता पूरे देश जता रहे, पूरी दुनिया जता रहे। सामानों को बहिष्कार का ऐलान करेंगे? भाई मैं तो इस बात का पक्षधर हूँ कि भारत के सामग्री को हम आगे बढ़ाओ, और होली का होलिका दहन करो तो आतंकवादियों का भी होलिका दहन करो, और जो आतंकवादियों को साथ दे उनको भी जला डालो। तो आपने देखा चौबे जी का तेवर कितना तल्ख है, उनका कहना है कि चुनाव तो मैं कहीं से भी जीत सकता हूँ लेकिन लड़ूंगा बक्सर से ही, क्योंकि बक्सर से ही हमने चुनाव लड़ा है और वहीं पर हमारा खूंटा गड़ गया है, तो बक्सर से कोई हिला नहीं सकता, पार्टी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है, और ये कह रहे हैं कि बक्सर से ही लड़ूंगा और पार्टी भी वहीं से लड़ाएगी।